नमस्कार, स्वागत है, आप देख रहे हैं मंचा न्यूज़। मैं आपके साथ अंकित सिंह चौहान। धूम होने वाला है, गिटार पे बहुत सारे सॉन्ग सुनने वाले हैं। बहुत ही खूबसूरत से गेटअप में भाई साहब नज़र आ रहे हैं। चलिए स्वागत करते हैं, क्योंकि बहुत जल्द 15 अगस्त 75वां स्वतंत्रता दिवस आने वाला है। आज़ादी के उस महोत्सव में भाई साहब को शराबोर करते हैं और बहुत सारे बेहतरीन गानों पर जिक्र भी करते, पूछते हैं क्या कुछ लेकर आ रहे हैं, क्या करने वाले हैं, सपने क्या हैं, कहां तक जाने वाले, सारी चीज़ों पर बेबाकी से बात रखते हैं। चलिए स्वागत करते हैं। सबसे पहले बहुत स्वागत है, कैसे हो आप? मैं बहुत अच्छा हूँ जी। अपना परिचय हमारे दर्शकों को बताइए। मेरा नाम सत्यम सिन्हा है और मैं पटना में ही रहता हूँ। मैं म्यूज़िक बहुत पहले से कर रहा हूँ, लगभग 6-7 साल पहले से कर रहा हूँ, जब गिटार मेरे से बड़ा था तब से मैं म्यूज़िक कर रहा हूँ। सवाल पे तो आगे बढ़ेंगे सर, पहले एक अच्छी सी प्यारी सी सॉन्ग सुनना चाहेंगे, फिर हम अगले सवाल पे आगे बढ़ेंगे। 15 अगस्त पे या फिर? हाँ, 15 अगस्त पे। तलवारों पे सर वार दिए, अंगारों में जिस्म जलाया है, तब जाके हमने सर पे ये केसर रंग सजाया है। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के, मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में लहरावा, तेरे खेतों में वल खावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। मैं आपसे सवाल करना चाहूँगा, फर्स्ट मुलाकात है, कितने गाने गाए हैं अभी तक आपने और क्या क्या ड्रीम्स हैं कि किस तरह से संगीत में आगे बढ़ना है, कैसे काम करना है, खुद को कैसे निखारना है? मैंने एल्बम पर्सनल किया खुद का, खुद के चैनल पे, जो कि उस लेवल पे नहीं है, बट 1 से 1.5 महीने बाद एक हम लोग का गाने आने वाला है जिसमें काम करेंगे सोना पांडे जी जो है, और जो भी मेल एक्टर हो, मेल एक्टर का भी पता नहीं, बट फीमेल में सोना पांडे जी करेंगी। मेरा ड्रीम यही है कि देर से ही सही, क्योंकि मैं गाता और बजाता परफेक्ट हूँ, ये आपको भी लग रहा होगा सुन के। तो मेरा ड्रीम यही है कि उस लेवल पे जाऊँ, जो कि ड्रीम तो बताया नहीं जाता है, बट मैं बताता हूँ टीवी पे, कि उस लेवल पे जहाँ पे एक सुपरस्टार खड़े होते हैं, उस लेवल पे कोई घमंड नहीं, बिल्कुल कोई घमंड नहीं, अच्छे व्यवहार से, अच्छे बिहेवियर से उस मुकाम पे जाना है जिस तरह से मैंने मेहनत किया और अभी भी कर रहा हूँ और करता ही रहूँगा। संगीत एक जन्म में कोई नहीं कर सकता, जितने भी हैं हमारे पुराने सिंगर, म्यूज़िक एक जन्म की बात नहीं है। तो वहाँ खड़ा होना है जहाँ वो सुपरस्टार खड़े हैं, बिल्कुल साथ में। जब जब गिटार पे लोग आते हैं, कैप पीछे पहनते हैं, तो अरिजीत सिंह की याद आती है, फिर इसके बाद ज़ुबैन भाई की याद आती है। क्या आपके कुछ इंप्रेशन, किस तरह से आप अपने आप को देखते हैं कि हाँ कितना स्ट्रगल है, या फिर किसे रोल मॉडल मानते हैं? मैं मानता सबको हूँ, सबकी आवाज़ सुनता हूँ, सभी के गाने गाता हूँ, क्योंकि मेरा तो अभी कुछ नहीं है, बट ये कैप मैंने इसलिए लगाया है क्योंकि कुछ दिन पहले टकले हुए थे और कोई रीज़न नहीं है। आइडल सारे सिंगर्स हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदी से ही सीखने को मिलता, भोजपुरी से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है हम लोगों को, तो अरिजीत सिंह को मानते हैं हिंदी में। जी जी, भोजपुरी की अक्सर बात करते हैं, हमारे चैनल पर जितने भी व्यूअर्स हैं भोजपुरी को देखते हैं, पवन सिंह के सारी लाल जी का जलवा काफ़ी रहता है। दो सुपर स्टार हैं, किससे आप ज़्यादा फेमस मानते हैं? दोनों को ही मानते हैं, बहुत कुछ सीखने को मिला है उन लोगों से भी, उनके गाने को सुना है मैंने, बहुत अच्छा लगता है, वही बस वही दोनों मेरे को। जी, पवन सिंह और खेसारी लाल, अगर किसी से मिलना चाहेंगे तो बस ये दोनों हैं जिसे हम मिलना चाहेंगे जी। आज 15 अगस्त है, हमारी मुलाकात हो रही है, स्पेशल हम ये वीडियो भी चला रहे हैं। मैं चाहूँगा कि देशभक्ति से ओतप्रोत कोई और सॉन्ग हो जो आपको बहुत प्यारा लगता हो, हमारे दर्शकों को डेडिकेट करिए। ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, ऐ
वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ मैं याद रहे तू। ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन प्यारे वतन। क्या बात है। गिटार पकड़ना, गिटार बजाना सीखना और ऊपर से गाना भी, आपकी वॉइस भी बहुत अच्छी है, कैसे सीखा है सब चीज़ कैसे कि हाँ वाकई में संगीत करना चाहिए? फैमिली का कितना सपोर्ट मिला जब आप इस क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं या फिर लगातार मेहनत कर रहे हो तो? हाँ, संगीत बहुत तभी से, 10 साल पहले मैं गांव में रहता था, छोटे से गांव बरबीघा से पूरा। उस टाइम पे मेरी मम्मी पापा पटना है हम लोग, तो बचपन से शौक था म्यूज़िक का। तो जब हम सीखना स्टार्ट किए थे उस समय 2 साल तक मेरे घर वाले कोई नहीं जानते थे कि मैं म्यूज़िक करता हूँ, क्योंकि मुझे दिखाना था वो चीज़ घर में, क्योंकि जब तक देखेंगे नहीं कोई भी पेरेंट्स आगे नहीं बढ़ने देंगे। 2 साल में म्यूज़िक किया मैंने और फर्स्ट टाइम मम्मी को लेके गया था अपने इंस्टीट्यूट में, मिला है मेरे टीचर के, बहुत अच्छा कर रहा। तब मेरे फैमिली से, मेरी मम्मी जी से सपोर्ट मिला, सिर्फ मम्मी जी से। फिर मेरे बड़े भाई, वो जाने इसके बारे में, कहे भी बहुत बात की पढ़ाई लिखाई छोड़ के पढ़ना तुमको भेजा गया, इसलिए थोड़ी भेजा गया। तो अभी से जर्नी का शुरू से लेकर अभी तक, अभी मेरे सारे फैमिली हमको सपोर्ट करते हैं हर कुछ में। स्पेशल सपोर्ट मेरे घर के जो मेरे भाई हैं, बड़े भाई, मेरी बड़ी दीदी, बस यही 4-5 लोग। पापा एग्री नहीं है, अभी भी नहीं है उनको। अगर मैं म्यूज़िक करने निकलता हूँ तो घर में लोग झूठ बोलते हैं कि क्लास जा रहा, और गिटार दोस्त के यहाँ रखता हूँ, मुझे गिटार दे दो तो मैं क्लास जाऊँगा। अभी तक का ये कहानी है, मगर बहुत जल्द पापा जी भी मानेंगे। जी, मुझे लगता है। मैं चाहूँगा कि भोजपुरी के जो 2 सुपरस्टार हैं जिसे आप भी बहुत पसंद करते हैं, खेसारी लाल जी, पवन जी, इनके एक एक गाने हमारे दर्शकों को डेडिकेट करिए, गिटार पे अगर हो सके तो ऐसे या फिर ऐसे नॉर्मली। एक बहुत प्यारा गाना है पवन जी का, कर्पूर गोरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविन्दे भवम भवानी सहितम नमामि। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। अब एक खेसारी जी का भी कोई यार गाना याद दिलाइए। कुछ तो है बाकी तेरे मेरे दरमियाँ, वरना न दिल परेशान होता। काश हम भी होते, तू है जहाँ वहाँ, फिर कुछ अलग सा ये जहाँ होता। बहुत प्यारा लाइन है इनके, खेसारी लाल जी का, जो स्पेशली मुझे बहुत अच्छे लगते हैं और मैंने बहुत बार सुना भी हूँ। मैं चाहूँगा कि जिस तरह से इंडस्ट्रीज़ में लोग आगे बढ़ रहे हैं, क्या आपकी भी इच्छा है भोजपुरी इंडस्ट्रीज़ में आना, गाने गाना है? कल्चर चेंज करना है, इसलिए कल्चर चेंज करना है, क्योंकि एक ही बीट पे भोजपुरी चला है, आपको भी पता है, ये सारे ऑडियंस को भी पता है। कुछ हट के करना चाहते हैं, ये नहीं कि सिर्फ हिंदी करना है, भोजपुरी को भी उस लेवल तक ले जाना है। भगवान का कृपा रहे तो उस जगह पे जाएंगे, उस लेवल पे लेके जाना है। बहुत क्या होता है, जो हिंदी सिंगर्स होते हैं वो भोजपुरी का मान नहीं देते हैं, ये मैं भी देखा हूँ, बहुत जगह गया हूँ। ये दो ही नाम जो हैं जो गूंजते हैं, पवन सिंह और खेसारी लाल। बाकी हैं सिंगर्स, अच्छे सिंगर्स हैं, ये सुपरस्टार हैं, और अच्छे अच्छे सिंगर अभी भी हैं जो कि उसी बीट पे रेंग रहे हैं। तो मैं बस कल्चर चेंज करना चाहता हूँ, सब वही, भाषा नहीं चेंज करूँगा, स्टाइल चेंज करूँगा, कल्चर चेंज करूँगा, कंटेंट चेंज होगा, हाँ कंटेंट, हाँ भाषा वही रहेगा, क्योंकि भोजपुरी हमारे यहाँ से जुड़ा हुआ, चाहे हम हिंदी गाएं चाहे कुछ भी गाएं। बिल्कुल बिल्कुल। मैं चाहूँगा कि जाते जाते एक प्यारा सा सॉन्ग हमारे दर्शकों को डेडिकेट करें आप अपनी तरफ से।
ओरे पिया है, ओरे पिया। उड़ने लगा क्यों मन बावला रे, आया कहाँ से ये हौसला रे, ओरे पिया। जाते जाते अपने दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे आप? मैं यही कहना चाहूँगा, मुझे सपोर्ट करें, क्योंकि इसलिए सपोर्ट करें, बहुत चीज़ ये होता है कि कोई भी सिंगर किसी को आगे बढ़ने नहीं देता। जब एक लेवल पे है वो आगे बढ़ना कभी नहीं चाहेगा। मैं भी यहाँ बैठा हूँ, आप भी यहाँ बैठे हुए हैं, मैं एक लेवल पर हूँ, तो मैं ये नहीं चाहूँगा कि आप मेरे लेवल पर आ जाओ। लेकिन उसको सपोर्ट करें, जो उसका टैलेंट है उसको पहचाने। बस कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ सपोर्ट चाहिए, मज़ा हम देंगे। चलिए, बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत प्यार दीजिए, बहुत सपोर्ट करिए, क्योंकि ऐसे जब जुनूनी लोग इंडस्ट्रीज़ में आएंगे, इतने अच्छे कॉन्सेप्ट लेकर आएंगे, कंटेंट लेकर आएंगे, और साथ ही वेरिएशन भी लेकर आएंगे जो बदलाव करेगी, तो बिल्कुल ये भोजपुरी की जो छठा है वो अलग अलौकिक दिखेगी, अद्भुत दिखेगी, और साथ लोग और भी लोग इसे पसंद करेंगे और जुड़े भी। ऐसे लोग बहुत सपोर्ट करिए, बहुत सारा प्यार दीजिए, हमारे साथ लगातार बने रहिए। नमस्कार।